एग्जोर के और एसएमके के, ये अपने पास वेगा का है, ये अपने पास एग्जोस्ट है सारे, ये रखे हैं अक्रापोविक, ये भी अक्रापोविक है, ये आपको मिरर मिल जाएंगे अपने, ठीक है। ये S2 वाले मिरर है विद लाइट, ओके। ये साइड के हैं, वो आपको जो व्हील कवर भी अपने पास सारे स्प्लेंडर के, MT15 के और R15 के। ये एक एग्जोस्ट है बड़ा प्यारा सा, ठीक है। ये आपको पता है ये स्प्लेंडर के हैं, ठीक है, जो लगते पावर रखने के लिए। ये ग्रिप है, हर बाइक में लग जाती है। ये अपने पास कपड़े वगैरह है थोड़े यूनिक है अच्छे। ये ग्लव्स है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, बढ़िया मतलब चलने वाली। एंड अपने पास है बालक लावा भी है, ठीक है। फ्रंट में ये लग रहा है, ये सारे इसमें वो है, ये आपके भाई का वो है नंबर, कॉन्टेक्ट करना चाहो तो ये वाले हैं, ठीक है। ये सारी लाइट वगैरह है, मिरर्स है, जो भी आपको देख रहे हो स्प्लेंडर की लाइट है कुछ इस प्रकार से। काफ़ी सारे डिज़ाइन है हमारे पास, बुलेट में दो है बोस और माइनस, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ देखने को मिली जाएगी हम यहाँ पे। एक तो गाइस, आज मेरी दुकान की ओपनिंग है, तो आप सभी का स्वागत है मेरी HR76 राइडर शॉप पे। मॉडिफिकेशन शॉप है अपनी बाइक की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बाइक सेल पे है, तो जो भी आपको पसंद आए तो DM कर देना। ये वाली बाइक है सिर्फ 20,000 रुपये। ये 20,000 में ये नंबर चेक कर उसका, 93-94 या 150 रुपया देख आप ले जा सको कति भाई, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल पूरी सच्चाई इस बात में। 150 रुपया दो और MT ले जाओ। और ये तो आज तुम्हारे भाई की दुकान की ओपनिंग है, और मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ अपनी अच्छे से, क्योंकि मैंने फरूखनगर में ओपन किया बाइक मॉडिफिकेशन की। यहाँ पे स्प्लेंडर से लेके आपको R5 MT निंजा सबकी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं वीडियो में बने रहना एंड तक, मैं आपको एक बार अंदर चलता हूँ और बैकग्राउंड दिखाता हूँ। थोड़ी देर में आएंगे विपिन भाई, वो रिबन वगैरह कट करेंगे, तो उनसे भी मिलवाएंगे एंड बातचीत करेंगे आपसे। और ये देखो बाहर बाइक का लाइनअप इस प्रकार से लगा खड़ा है, यहाँ से वहाँ तक और वो आगे तक, ये इनकी खड़ी है, ये अपनी वाली है। Thank you.
फोन करिए ब्लेड की है ब्लेड की तरह तू दियो मेरे दौर की तरह ब्लेड कटिंग तो करूंगी इसकी काफी तो भाई अब दिन की शुरुआत इस प्रकार से सब चले गए। हालांकि अभी मैं मयंक और भाई पीछे ये बता रहा है ठीक है अभी भी आए तो मैं आपको बात बता दूं कि भाई अभी दुकान में क्या क्या एक्सेसरीज है वो मैं आपको अभी और दिखा देता हूँ सारी चीज़ें ठीक है वो आप देख लो चेक करो ठीक लगे तो बताना कमेंट में और क्या चीज़ आपको नीड है वो भी और कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए वो भी पूरी कर सकूं। ये आपके सामने रखे हैं फिलहाल हेलमेट वो एग्जोर के और SMK के ये अपने पास वेगा का है ये अपने पास एग्जोस्ट है सारे ये रखे हैं अक्रापोविक ये भी अक्रापोविक है ये आपको मिरर मिल जाएंगे अपने ठीक है ये S2 वाले मिरर है विद लाइट ओके ये साइड के हैं वो आपको जो व्हील कवर भी अपने पास सारे स्प्लेंडर के MT15 के और R15 के ये एक एग्जॉस्ट बड़ा प्यारा सा ठीक है ये आपको पता है वाइजर है ठीक है जो कि मंगू की बाइक में हमने अभी लगाया है इसमें ये विंगलेट रखे अपने नीचे ये भी ऊपर व्हील कवर वगैरह रखे ये क्रैश गार्ड है अपने ये अपने टूल हो गए ये स्प्लेंडर के हैं ठीक है जो लगते पावर रखने के लिए ये ग्रिप है हर बाइक में लग जाती है ये अपने पास कपड़े वगैरह है थोड़े यूनिक है अच्छे ये ग्लव्स है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बढ़िया मतलब चलने वाली एंड अपने पास है बालक लावा भी है ठीक है जो कि सिर में पैरते हेलमेट पहनने से बचा रखे ये नंबर प्लेट के स्टैंड है ये अपने पास नीचे बैंड पाइप है और ये छोटी बाइकों का एग्जॉस्ट है स्प्लेंडर प्लेटिना HF के ये अपने पास बड़ी बाइकों का एग्जॉस्ट है आपको बता दूँ ये चार्जर वगैरह है ये लाइट है ये आपके स्विच हो गए ये आपकी पॉलिश हो गई ये आपके टेल कवर हो गया पीछे का स्प्लेंडर का ये अपने पास LED लाइट है रिंग में सबसे मेन बात ये है अपने पास ब्लूटूथ V6 एंड ये अपनी सिंपल वाली वायरलेस ठीक है आपको पास कार्बन फाइबर में फुल्ली ओरिजिनल आपको ये मिल जाएंगे ठीक है लीवर प्रोटेक्टर वगैरह ये अपने पास एक लाइट है स्विच में आप इसको अपनी चाबी के छल्ले में डाल सकते हो एंड ये स्प्लेंडर की लाइट है जो कि आपके आगे सोकर के पास लगती है ठीक है ये हमारे पास इंडिकेटर स्प्लेंडर के भी है बुलेट के भी हर एक बाइक में फिट हो जाएंगे नाइट वाली आउल की जो लाइट चल रही है मार्केट में 1600 रुपए की हम आपको 800 से 900 से 1000 रुपए के तक में प्रोवाइड कर देंगे एक पीस। ये अपने पास चैन क्लीनिंग की ब्रश है ये पूरा सेट है इसका चैन में चैन लूप चैन क्लीन एक कपड़ा और ब्रश है साथ में ठीक है ये अपने पास कुछ हॉर्न है अच्छी क्वालिटी के ये भी हॉर्न है ये अपने लीवर प्रोटेक्टर है हर बाइक में लग जाएंगे ये अपने बॉडी इंडिकेटर्स हो गए एंड नीचे ये भी इंडिकेटर्स है ये पीछे वाले जो मैंने अपनी बाइक में लगवा रखे दिखा दूंगा आपको ये पीछे की टेल टाइडी होगी अपनी पूरी ठीक है ओह एक बार आपको फ्रंट से दिखा तो ये अपनी बाइक खड़ी है फिलहाल यहाँ पे ठीक है और ये कुछ आगे इस प्रकार सामान रखा है एक बार आपको दुकान की लोकेशन में आपको बता देता हूँ अभी ये जो लोकल के बंदों के लिए फिलहाल सामने सिप एंड स्लाइस है उधर देखोगे तो आप थोड़ा सा अपना सिविल हॉस्पिटल है ये फरूक नगर से आप इली मंडी की तरफ जाओगे तब ये वो वाला रास्ता है ठीक है ये मैं रहा पीछे एक बार आपको फ्रंट से भी शॉप दिखा देता हूँ मैं कैसी है एक बार बोर्ड है ये ठीक है फ्रंट में ये लग रहा है ये सारे इसमें वो है ये आपके भाई का वो है नंबर कॉन्टेक्ट करना चाहो तो ये वाले हैं ठीक है ये सारी लाइट वगैरह है मिरर्स है जो भी आपको देख रहे हो स्प्लेंडर की लाइट है कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारे डिज़ाइन है हमारे पास बुलेट में दो है बोस और माइनस ठीक है ये आपको सारी चीज़ देखने को मिली जाएगी हम यहाँ पे एक क्रैश गार्ड भी रखी है अपने पास ठीक है तो दुकान की आज ओपनिंग हो चुकी है एंड आप कुछ भी लगवाना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हैं दुकान पे नो प्रॉब्लम नो टेंशन नो मेंशन एवरीथिंग इज ओके ठीक है सस्ते सामान में मिलेगा करोल बाग से भी आधे रेट में आपको फिलहाल टाइम पे मिल जाएंगे अपने पास सबसे मेन बात यह है कि क्वालिटी का सामान है सारी चीज़ें ओरिजिनल है कुछ भी लोकल सामान हम नहीं लाए हैं ताकि बाद में किसी को दिक्कत आए कुछ भी चीज़ लोकल नहीं है अपने पास ओरिजिनल सामान है रेट आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा बट सब कुछ ओके है ठीक है तो आप इस ब्लॉग को हमें पर एंड कर देते हैं गाइस ठीक है मिलते हैं आपको जल्दी एक अपने ब्लॉग के साथ आप डेली ब्लॉग शेयर करेंगे ठीक है भाई क्या कर रहा अरे मैं चेक कर रहा यार ऐसे उसमें चेक कर रहा कि तो ठीक है गाइस मिलता है आपको जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत लव यू वंदे मातरम और मेरे जैसे भाइयों को राम राम।